रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन लेग पीस, जो कि बनाना बहुत आसान है, इजी सी रेसिपी है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ बनते हैं, बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन लेग पीस। इसके लिए हमने सबसे पहले लेग पीस ले लिए, इधर थोड़े बड़े साइज़ के लेग पीसेज हैं, मैंने उनको अच्छे से वॉश कर लिया और डीप कट्स लगाने हैं ताकि जो मैरिनेशन है इसमें बिल्कुल अंदर तक चली जाए, इसलिए कट्स मेक श्योर डीप होने चाहिए। तो अच्छे से ये ड्राई हुए हैं, अब इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। एक बड़ी चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको हमने पहले लहसुन अदरक के पेस्ट और सिरके में मैरिनेट करना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें चिकन में जो थोड़ी स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं सारी जो सिरका ऐड कर दिया मैंने, 4 से 5 बड़े चम्मच। अब लहसुन अदरक और सिरके को अच्छे से मैं कोट कर लूँगी ताकि इसमें जो बिल्कुल कोई स्मेल वगैरह वो पहले ख़त्म हो जाए। तो 15 से 20 मिनट इसे ऐसे ही लगा के रख देंगे हम। इधर मैं बाउल चेंज कर दूंगी ताकि जो है ये अच्छे से सारों पे लग जाए, सिरका और लहसुन अदरक। अब 15-20 मिनट बाद देखें हल्का हल्का सा वाइट हो गया है। अब हम इसमें बाकी मैरिनेशन करेंगे। इधर मैंने ऐड किया है कुटी लाल मिर्च 1 बड़ी चम्मच, इधर ज़ीरा जो है मैंने भून के पीसा हुआ है, तो भुना हुआ ज़ीरा पीसा हुआ 1 बड़ी चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया कुटा हुआ, हल्दी 1/2 टीस्पून और लेमन, इधर 2 से 3 लेमन जो है मैंने अच्छे से इनको स्क्वीज करके, अब इसके हमने बस मैरिनेशन में इतनी सी चीज़ें चाहिए, कोई दही नहीं चाहिए हमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए, कोई फूड कलर वगैरह नहीं। अगर आपके पास दही नहीं है, टमाटर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें कम है, तो हम सिंपल इतने घर से जो आम से मसाले बनते हैं उनसे हम ये मज़ेदार से चिकन है बना सकते, कोई डिब्बे का हमें मसाला साथ नहीं चाहिए। तो इधर मैं इसकी अच्छे से कोटिंग कर रही हूँ, सिर्फ इसमें लेमन और सिरका जो है वो ऐड किया है, 2 लेमन डाले हैं और बाकी जो सादे मसाले हैं बस वो डाल के हमने इसको मैरिनेट कर देना है 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए भी आप रख लें, मोर देन इनफ है क्योंकि इसने स्टीम पे कुक होना है। तो अगर आप ज़्यादा मैरिनेशन नहीं भी करते तब भी ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएगा। इधर मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख रही हूँ। इधर पैन लिया और इसमें 3 से 4 चम्मच जो है मैंने ऑयल ऐड कर दिया, ऑयल बेशक गर्म ना हो तो हमने इसमें ऐड कर देना है लेग पीसेस और इनको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। तो ये जो मसाले हैं जब हम स्टीम पे कोई भी चीज़ कुक करते हैं तो जो मसाले हैं वो बिल्कुल चिकन के अंदर तक चले जाते हैं, तो इसलिए इसकी ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इधर मैं सारे चिकन पीसेस रख रही हूँ और इसको बिल्कुल हम लो फ्लेम पे ढक के कुक कर लेंगे और ये बाकी जो इसका मैरिनेशन है थोड़ा सा मसाला सा है वो इसमें मैं ऐड कर लूँगी। तो कोई इसमें दही, कोई टमाटर, कोई और चीज़ नहीं डल रही, सिंपल सी रेसिपी है, बहुत मज़े के बनते हैं। और इधर मैं ढक के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट एक साइड पे कुक करूँगी और 10 मिनट दूसरी साइड पे, तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, इतनी देर में चिकन बहुत अच्छे से गल जाता है। अगर आपके लेग पीसेस छोटे हैं तो वो 10 से भी कम मिनट में गल जाएंगे। इधर देखिए मैंने साइड चेंज कर ली है और लो फ्लेम है तो इसलिए जो ऑयल और थोड़ा सा जिसका अपना ही पानी है उसी के अंदर ये कुक हो जाएंगे स्टीम में। साइड चेंज करके मैंने फिर ढक के रख दिया। अब देखें 10 मिनट बाद आप इधर चेक कर सकते हैं कि चिकन में कितनी कसर है। तो इधर जो चिकन है वो ऑलमोस्ट हो गया था तो इसकी हम साइड चेंज करेंगे और देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया, बिल्कुल कम ऑयल में बनते हैं और बहुत जल्दी से बन जाते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। बच्चों को भी आप बना के दें, बड़े भी, डीप फ्राई से बेटर है कि आप इसको स्टीम पर बना लिया करें ताकि कम ऑयल जाए खाने में और थोड़ी हेल्दी हो जाए वो चीज़। तो ये देखें यहाँ पे चिकन हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसको आप राइस के साथ, आप सिंपल सैलड के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और बहुत ही जूसी और फ्लेवरफुल है और कोई ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डलती इसमें। अब इधर देख लें ये अच्छे से दूसरी साइड पे भी कलर आ गया, अब इसकी टर्न कर लेंगे और जो इधर फ्लेम है बिल्कुल नॉर्मल मीडियम पर कर लेंगे ताकि दूसरी साइड पर भी इस तरह कलर आ जाए। ये देखें चिकन कितना सॉफ्ट है। ये लेग पीस बड़े थे इसलिए थोड़ा सा इन्हें 10 मिनट लग गए, वरना जो थोड़े से छोटे पीसेस होते हैं वो बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं 5-7 मिनट के अंदर। अब हम इसको डिश आउट किया है, इसको आप उस बलोची चटनी के साथ सर्व करें, उसकी रेसिपी मेरी लास्ट वीडियो में है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।